हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑथेंटिक 365। तो आज की हमारी डिश है कस्टर्ड ब्रेड रस मलाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले कस्टर्ड बना लेते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए एक पतीले में 1 लीटर दूध ले, उसे एक उफान आने तक उबाल ले। दूध में उबाल आ चुका है, अब एक चम्मच की मदद से मलाई हटा ले। इसमें आप 150 ग्राम शक्कर डाल ले और थोड़ी देर मिलाएं ताकि शक्कर पतीले में ना चिपके। अब इसमें 1/3 कप बारीक कटे बादाम, काजू और किशमिश डाल के थोड़ा उबलने दें। थोड़ी देर उबलने के बाद उसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल के मिला ले। अब एक बाउल में 2.5 टेबलस्पून वनीला फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर ले और उसमें 3 टेबलस्पून पानी डाल के घोल बना ले। मिक्स किए हुए कस्टर्ड पाउडर को दूध में डाल ले और उसे मिलाते रहे। इसे लगातार मिलाते रहे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। कस्टर्ड अब तैयार हो चुका है। ध्यान रखें, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली ही रखनी है हमें, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा थिक हो जाता है। जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, तब तक हम ब्रेड कटिंग कर लेते हैं। एक प्लेट में थोड़े से ब्रेड स्लाइसेस ले लें और उसे कोई भी राउंड शेप कटर से काट ले। अब एक ट्रे या प्लेट ले ले जो थोड़ी गहरी हो, उसमें 1 लेयर कस्टर्ड की डालें। उसके ऊपर कट किए हुए ब्रेड स्लाइसेस रखें। अब उसके ऊपर से 1 लेयर कस्टर्ड की और डाल ले। थोड़े से स्लाइस्ड बादाम और पिस्ता डाल के गार्निश करें। अब इसे 15 से 20 मिनट तक रेफ्रिजरेट कर लेते हैं। कस्टर्ड ब्रेड रसमलाई सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको हमारी ये स्वीट डिश पसंद आई, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप कुकिंग, कीप स्माइलिंग।